सो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो फ्यूचर टेक 998 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गूगल पे में आप जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे, तो दोस्तों आप गूगल पे एप्लीकेशन खोलिएगा, यहाँ पर आपको गेट ए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर टच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलिमिटेड फ्लैट गारंटी कैशबैक, ठीक है ना, सेव मोर 12,000 एवरी ईयर, आप 12,000 हर एक साल आप सेव कर सकते हैं। ऐसी एक क्रेडिट कार्ड या एक्सिस बैंक के द्वारा जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 2% का कैशबैक ऑन एवरी ऑनलाइन ऑन स्टोर ट्रांजैक्शन, आप 2% का कैशबैक हर एक शॉपिंग पे, ऑनलाइन शॉपिंग पे आप पा सकते हैं, या आप गूगल पे से अगर रिचार्ज करते हैं तो, ठीक है, 2% कैशबैक। और यहाँ पे 100% डिजिटल एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो अब चलिए, इसका जो है 5 मिनट में आपको वेरिफिकेशन करके बता दिया जाएगा कि आपको कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों 100% कार्ड मिलता है यहाँ पे, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा आपको, इसके ऊपर में आपको टच करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर में टच करना है। सो फ्रेंड्स, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों आपके सामने आएगा, उसके बाद में नीचे एक आपको कंटिन्यू का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर में टच करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना जो है पिन कोड डाल लेना है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जिस जगह रहते हो उस जगह का पिन कोड डालने के बाद में नेक्स्ट का बटन आपको मिल जाएगा, इस नेक्स्ट के बटन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पैन कार्ड पे जो नाम है वो फुल नेम यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फुल नेम जो है डाल लिया। उसके बाद में आपका जो है पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड का नंबर डाल लिया हूँ। और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा फिर से नेक्स्ट का, ठीक है, इसके ऊपर में टच करना है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप सैलरीड हैं या आप बिजनेस हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं सैलरीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं सैलरीड हूँ, ठीक है, मुझे मंथली पेमेंट आता है। तो यहाँ पे फिर से आपको नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे टच करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, एक्सिस बैंक कार्ड आपसे पूछ रहा है कि आप कितने मंथली पे काम करते हो, आपका पेमेंट जो है मंथली का कितना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना जो मंथली पेमेंट है यहाँ पे डाल लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इसके ऊपर मैं टच करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे रेसिडेंट इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हुआ आ गया है। फिर से आपको एक नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा नीचे, इसके ऊपर मैं टच करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पूछ रहा है कि मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या डिवोर्स हैं या विडोवेड हैं। तो आप इसमें से अपना जो है, आप जैसे भी हैं यहाँ पे आप चुन लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या अदर कुछ है। तो मैं मेल के ऊपर में टच करके और नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में डाल लिया हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा आपको, फिर यहाँ पे टच करना है। यहाँ मदर का नाम यानी माँ का नाम यहाँ पे डालना है। तो माँ का नाम डालने के बाद में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं गलत हो चुका है। यहाँ पे जो है
माँ का फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है, उसके बाद में माँ का लास्ट नाम डालना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे माँ का अपना जो है लास्ट नेम डाल चुका हूँ, उसके बाद में फादर का फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ फादर का लास्ट नेम डालना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद में नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर में टच करना है। सो फ्रेंड्स, आपके सामने जो है चूज एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर में टच करना है। यूज़ करेंट लोकेशन के ऊपर में टच करना है, यहाँ आपका परमिशन लेगा, ठीक है, लोकेशन ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे ओके पर टच करना है। जैसे ही आप थोड़ा सा वेट करिएगा, आपका लोकेशन खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे ऐड कंप्लीट एड्रेस के ऊपर में टच करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बिल्डिंग नंबर या अपना घर का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे आप कुछ रोड का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, लैंडमार्क भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे आपका एक सेव एड्रेस का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर में टच करना है। सो यहाँ पे आप चूज रेसिडेंट टाइप करना है, आपका जो घर अपना है या रेंटेड है, चाहे ओनर्ड बाय पार्टनर चाहे ऑदर है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ऑदर के ऊपर में टच करूँगा, ठीक है, और नेक्स्ट के ऊपर में मैं क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको चूज योर हाईएस्ट एस्टेमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो है ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या हाई स्कूल है, तो यहाँ पे आप अपना जो है एजुकेशन टाइप चुन सकते हैं, क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे मेरा क्वालिफिकेशन रेडी मैं चुन लिया हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर मैं टच करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम, ठीक है, और कंपनी टाइप कैसा कंपनी है, इंडस्ट्री है, और यहाँ पे 10 ईयर इन करेंट कंपनी, ठीक है, राउंड अप टू नियरेस्ट ईयर, आप कितने दिन से इस कंपनी में काम करे हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं भर लेता हूँ, भर के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अपना जो है कंपनी का ऑल डिटेल भर लेने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, इसके ऊपर में टच करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आप एड्रेस दिए हुए हैं, वो एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं। और आप अगर गलत आपको लग रहा है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ पे एडिट के ऊपर में क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट का बटन पर क्लिक करते हैं, आपका कार्ड पर क्या नाम लिख के आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है एड्रेस भी, आप किस एड्रेस पे आप जो है लेना चाहते हैं उस एड्रेस। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटो इंक्रीज योर क्रेडिट कार्ड लिमिट आफ्टर 6 मंथ, यस के ऊपर में क्लिक करके, और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन है, इसके ऊपर में टच करना है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ चुका है और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ रहा है। इस ओटीपी को इसमें जो है फिल करना है, समझ गए। देखते हैं कितने देर में आ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत जल्द ही मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया, ऑटो फिल भी हो चुका है। और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर मैं टच करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो है एप्लीकेशन सक्सेसफुल जो है सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे बोल रहा है कि आप 90 सेकेंड का वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा जो है के फ़ोन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा फ़ोन पे के से ही फ़ोन पे से ही मैसेज आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फ़ोन पे से ही मैसेज आ चुका है। और हमारा जो एप्लीकेशन है डिसलाइन कर दिया गया है हमारे बैंक के द्वारा, ठीक है। पता नहीं क्यों यहाँ पे क्या लिख रहा है, अनफॉर्चुनेटली योर एप्लीकेशन डज नॉट मीट द बैंक्स रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एक्सिस बैंक एसी क्रेडिट कार्ड एट दिस टाइम, ठीक है। ये टाइम जो है हमारा जो है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है नहीं मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका आप भी ट्राई करिए, अगर आपका मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो नहीं मिल पाया। लेकिन इस एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेने का यही तरीका है, और इसी तरह से आप जो है गूगल पे के द्वारा इसको इस कार्ड को लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तब तक के लिए फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।